से की जा रही है। जैसे कि हमारा जो प्राइम आज का जो मुद्दा है, जो एससी मोर्चा के जो लीडरान हैं उन्होंने जो गलत स्टेटमेंट दी है कि बीजेपी के रजीम में, बीजेपी के राज में एससी एसटी ओबीसी के साथ बहुत इंसाफ हुआ है और बहुत फायदा हुआ है, ये सरासर गलत है। क्योंकि जब से 6 साल से बीजेपी की जब से सरकार बनी है, चाहे देश की बात करें और चाहे जम्मू कश्मीर जे के यूटी की बात करें, शेड्यूल कास्ट के ऊपर एससी एसटी ओबीसी के ऊपर अत्याचार बढ़े हुए हैं। गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, कहीं की भी बात करें, तो जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, काटा जा रहा है, मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जहाँ पर भी सबसे पहले से बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं एट्रॉसिटी के, और उसका गाँव में उसका मर्डर हुआ है, जो उसकी निर्मम हत्या हुई है, स्ट्रांगली उसे कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट से मांग, एलजी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सिट कॉन्स्टिट्यूट करके उसको इंसाफ दिया जाए, वरना इस देश के अंदर वही हालात होंगे जो अमेरिका के अंदर एक अश्वेत को मारने के बाद जो हालात बने थे, कहीं वो हालात देश के अंदर पैदा हों। पूरे यूरोप के अंदर हालात बिगड़ गए थे, अमेरिका के अंदर बिगड़ गए थे। हम ऐसे हालात, ऐसी बातों पर हमें मजबूर मत करें, क्योंकि इस देश के अंदर सभी को जीने का हक है, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, सभी को बराबरी का हक है और सभी को हक हकूक मिलने भी चाहिए। ऐसी जो जातिवाद को जहर है, किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए। जाति के बना पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए और औरतों का सम्मान होना चाहिए। उनके जो गैंग जो रेप्स हैं वो दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, कत्लेआम बढ़ता जा रहा है, और खास करके इन दिनों जम्मू कश्मीर की बात करें, पहले से बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, और रिसेंटली उसकी एग्जांपल है वो रोहित, हमारा जो राहुल वक्ता है उसकी है। इस तरह के हज़ारों केसेस हैं। हम क्राइम ब्यूरो की बात करें तो पहले से मैनी फोल्ड ये इसके क्राइम जो हैं बढ़े हुए हैं एस सी एस सी ओ बी सी के प्रति। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, मेरी एल जी गवर्नमेंट से मेरी अपील रहेगी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो भी प्रावधान हैं वो जम्मू कश्मीर ड्यूटी में लागू होने चाहिए, चाहे वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात हो, चाहे वो 27% रिजर्वेशन की है ओबीसी की बात हो, इसी तरह बाकी भी जो हमारे हक हकूक हैं वो जेके ड्यूटी के अंदर हमें मिलने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। जिनकी वो बात करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जे किया, जो असल बात जो करने वाली है, अगर पूरे देश के अंदर 27% रिजर्वेशन है तो वाई नॉट इन जे एंड के, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, क्या जहाँ पर क्यों नहीं, क्यों बेइंसाफी लोगों के साथ की जा रही है।